जय भोले शंकर जी की। क्या हाल चाल है दोस्तों, मैं पंजाब से आपका लखविंदर सिंह हाजिर हूँ आपके साथ मोटिवेशन से भरी हुई एक और कहानी लेके। उम्मीद है दोस्तों आप पहले की तरह अपना प्यार बनाए रखेंगे और जैसे आप शेयरिंग करते हैं मोटिवेटिंग कहानी के मोरल को, वैसे ही आप इसको भी शेयर करते रहेंगे। तो मेरे दोस्तों कहानी को एंड तक सुनिए, इसमें बहुत ही ज़बरदस्त मोरल है इस कहानी का। दोस्तों काफ़ी समय पहले की बात है, हिमाचल प्रदेश में एक बहुत ही डिसेंट राजपूताना परिवार रहा करता था। वैसे राजपूत सारे ही डिसेंट ही होते हैं। उस फैमिली में एक उनका बच्चा था जो 8th 9th में पढ़ता था, लेकिन वो फैमिली दोस्तों काफ़ी दुखी थी। जो उनका वो बेटा था वो काफ़ी समय से बीमार ही रहता था, दवाई इंजेक्शन इनसे वो फैमिली और वो बेटा फेडअप हो चुका था कि जब भी इंजेक्शन का नाम लेते थे वो बच्चा डरता था, बहुत ही डरपोक किस्म का बन गया था जी वो। तो जी उस फैमिली को सडनली अपने पुश्तैनी गांव जाना पड़ा और बच्चे के चल रहे थे एग्ज़ाम, तो वो बच्चे को हमारे पास छोड़ गए कि तुम ही अभी इसको संभालो 20 दिन, हम 20 दिन के बाद आएंगे तो इसको टाइम के टाइम दवाई ज़रूर खिलाते रहना। तो जी अभी हमारा काम आपको तो पता ही है कि फुल टाइम राजपूताना है और हमें अंदर बाहर जाना पड़ता है जी। तो जी हमें ये याद नहीं रहा कि उसको दवाई भी देनी है। हमने क्या किया था, हम रहते रहे बाहर, हमने उसको एक एंड्रॉयड फ़ोन हेडफोन और उसमें नेट दे दिया था और राजपूताना कहानियों के लिंक दे दिए थे कि जब भी तू फ़ोन चलाएगा तो यही सुनना। तो जी अब 20 दिन कैसे निकल गए हमको पता नहीं चला। तो जी जब 21वें दिन उसकी फैमिली वाले आए, उन्होंने देखा कि बच्चे का दवाई का पैकेट पूरा एज इट इज़ है, जैसे पहले था वैसे का वैसे ही है। तो उन्होंने हमको डांटा कि जी आपके पास बच्चे को छोड़ के गए थे और आपने बच्चे का ख्याल नहीं रखा, अब अगर इसकी बीमारी बढ़ गई होगी तो क्या होगा फिर। तो जी अगले दिन वो बच्चे को डॉक्टर के पास लेके गए। जब डॉक्टर इंजेक्शन भर रहा था तो बच्चे ने डॉक्टर को बड़ी गरज के साथ कहा, डॉक्टर मुझे एक इंजेक्शन मत लगाओ, डॉक्टर साहब 2 इंजेक्शन लगाओ, मैं राजपूत हूँ। बस भाई ये सुन के ना डॉक्टर को थोड़ा सा भी राजपूत शब्द का नाम लिया ना, पंजाबी में एक ना स्लोगन है वो पैंदी है धक, मतलब कि धक कलेजे में होल। तो जब ये उसने बोला तो उसके फैमिली वाले भी हैरान हो गए कि ये भाषा कैसी बोल रहा है आज राजपूत। तो जी डॉक्टर ने जब उसका फुल चेकअप किया तो भाई बच्चे को कोई बीमारी ही नहीं थी। तो ये होता है राजपूताना कहानियों का मोटिवेशन का असर। अगर क्षत्रिय को अपनी पहचान हो जाए ना एक राजपूत को, तो भाई उसको फिर पता चलता है कि दुनिया को कि वो क्या चीज़ है। उस छोटे से बच्चे को जब हमने वीर शिवाजी महाराणा प्रताप जी की ज़बरदस्त कहानियों से भरे लिंक दिए थे ना, तो उस बच्चे को हमने 20 दिन नोटिस नहीं किया। जब 21वें दिन उसके घर वालों ने नोटिस किया तो उनको पता चला ये बंदर राजपूती कल्चर के बहुत ज़्यादा क्लोज हो चुका है। तो दोस्तों ये होती है मोटिवेशन। अपने बच्चों को, अपने छोटे भाइयों को, बहनों को, अपने अगर आपके पास टाइम नहीं है तो जी नेट का सहारा लीजिए, उनको इतना ज़्यादा मोटिवेट करिए कि उनको पता चले वो क्या थे, क्या हैं और क्या आगे चल के बनेंगे। ये होती है राजपूताना मोटिवेशन। तो दोस्तों यही कहानी का मोरल था कि अपने छोटे भाइयों को गाइड करो तो कैसे करो। तो दोस्तों अभी कहानी होगी है ख़त्म, तो आप ज़रा लोकेशन देख लीजिए, अभी कहानी के साथ साथ बाहर तूफान आ रहा है बड़ा ज़बरदस्त देखिए। और आज हम आपके लिए नया लोकेशन दिखाते हैं थोड़ा आपको। तो जी शेयर करते रहिए जी। जय भोले शंकर जी।